Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain subject essays, chapter 7, part 1. आज हम लोग एसेस में chapter 7, part 1 जो है, वो explain करेंगे. तो बेटा चलो आज हम स्टार्ट करते हैं. इंडिया प्रिजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज, इसका मतलब क्या होता है? प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन. फर्स्ट चैप्टर में कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया में हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में, मतलब इसके बारे में पढ़ा था. प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन. प्रिजर्वेशन यानी सुरक्षा, कंजर्वेशन संरक्षण. हमारे जो वारसे में हमारी संस्कृति हमको मिले हैं उसको कैसे संभालना, तो हम स्टार्ट करते हैं. इंडिया हैज़ ए यूनिक प्लेस इन द वर्ल्ड. भारतवर्ष जो है एक यूनिक प्लेस है पूरे दुनिया में. देयर हैज़ बीन रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन इन द फील्ड ऑफ नॉलेज. ये यहाँ ये एक ऐसा जगह है भारतवर्ष जहाँ पे ज्ञान का योगदान, विज्ञान का योगदान, धर्म का, संस्कार का, कला का, सबका योगदान हुआ है. इंडिया हैज़ अ रिच एंड इमिटेबल हेरिटेज. इंडिया जो है वो बहुत ही प्राचीन और बहुत ही खूबसूरत जो है हेरिटेज है. आवर हेरिटेज सोर्स एंड इम्पीरियल डिग्निटी ऑफ एशियन टाइम. प्राचीन काल से हमारे देश को जो है डिग्निटी मिलती आ रही है. दैट इज वाई वी शुड बी कमिटेड टूवर्ड्स द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज विच इज एट मोस्ट डिमांड ऑफ द प्रेजेंट टाइम. यही वजह जो हम सब इसको सुरक्षा संरक्षण कर रख सकते हैं. पहले से लेके आज तक अभी हम लोगों ने इसको संरक्षण किया है, इसको सुरक्षा किया है वर्तमान काल तक. नीड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर हेरिटेज. हमारे संस्कार संस्कृति को जो है इसका सुरक्षा बहुत जरूरी है. क्यों? आवर हेरिटेज ऑफ इंडियन मल्टीफेरियस विच ब्रिंग्स ग्लोरी टू द नेशन. जो हमको बाढ़से में मिला है वो जो है खूबसूरत है हमारे जाति में. कल्चर हेरिटेज एकोमोडेट्स कैप्चर. कल्चर हेरिटेज जो हमारे संस्कृति का नाम वो स्थापत्य, चित्रकला, साहित्य कला और बहुत सारे प्राकृतिक चीज से जुड़े हुए हैं. नेचुरल एंड मैनमेड फैक्शन आर एंड वेरियसली आफ्टर आवर हेरिटेज. प्राकृतिक और इंसान से बनाया गया से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे भारतवर्ष में हैं. Hence, the preservation required of our heritage glorifies people of our country. So, they respect our heritage by associating in with their own identity. हमारे भारतवर्ष में जो लोग जी रहे हैं, जिसको हमारे देश का नाम मिला है, जो यहाँ का सिटीजनशिप है, वो लोग हम सब मिलके चाहते हैं कि हमारे इंडिया खूबसूरत और हेल्दी और अच्छे से दुनिया में एक उसकी अलग पहचान हो. सब जो है हमारे देश की, हमारी कला की इज्जत करें.
Therefore, it is necessary to develop positive attitude towards management. यही वजह है, एक सकारात्मक सोच है जो हमको हमारे मैनेजमेंट से लेना है. We should preserve vanishing arts and architecture so that the oncoming generation can be inspired by the works done by our ancestors. ऐसा काम हम करना चाहते हैं जो हमारे आने वाले जनरेशन हो, वो हमारे काम को देख के उनको भी प्रेरणा मिले और वो भी ये काम में लग जाए, हमारी देश की सुरक्षा और संरक्षण करें. एज वी आर नॉट मच अवेयर अबाउट द प्रिजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज एंड आवर नेग्लिजेंस इन द चीपली रेस्पॉन्सिबल डिग्रेशंस, देयरफॉर इट हैज बिकम नेसेसरी प्रिजर्व आवर हेरिटेज. अगर हम लोग ऐसा नहीं करते, सुरक्षा संरक्षण हमारे देश का नहीं करते, तो हमारी जो स्थापत्य किला जो हमको वारसे में मिला है वो सब खत्म हो जाएगा. इसीलिए बहुत ज़रूरी है हम हमारे देश की रक्षा करें और उसको जो है सुरक्षा संरक्षण के साथ रखें. नेसेसिटी ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर हेरिटेज. आवर हेरिटेज इज द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन. हमारा जो इंडिया का जो वारसे में कल्चर है उसको हेरिडिटरी हमारा जो आइडेंटिटी हमारा पहचान है. द कंट्री विच इग्नोर्स इट डज हैव एनी फ्यूचर्स एज हेरिटेज इज अवर गाइड. हमारे देश को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे जो कल्चर है, यहाँ की जो कला है उसको हम लोगों ने संभाल के गाइड करके रखा है. द एरर्स ऑफ वी हैव कमिटमेंट इन द पास्ट कैन बी डिकाइटेड इन द प्रेजेंट एंड वी कैन प्रॉपरली प्लान फॉर द फ्यूचर. हम देख सकते हैं, ये कमिटमेंट कर सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ जुड़ा है पास्ट के साथ प्रेजेंट और प्रेजेंट के साथ फ्यूचर. ऐसा करके हम हमारे जो संस्कृति कला है उसका सुरक्षा सो हेरिटेज एक्ट्स एज अ गाइड द डिसाइड डायरेक्शन फॉर आवर डेवलपमेंट. जो हेरिटेज एक्ट्स हैं वो गाइड करते हैं, दिशा बताते हैं ताकि कैसे और इसको डेवलपमेंट किया जाए, इसमें बताया जाए. हेरिटेज इज नेसेसरी फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ फ्यू कॉन्सेशंस अक्रॉस द कंट्री. जो हेरिटेज है वो एक ट्रांसमिशन से जो हमारे देश को जो है उसमें से क्रॉस करके गया है. इन द नेसेसरी टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल रिगार्डिंग द डैमेज डन टू द प्लेस ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज. हमारे जो डैमेज हो चुके हैं, हमारे जिस जिस जगह हमारे कोई स्थापत्य कला या चित्रकला कुछ भी अगर वो ख़त्म हो चुका है, वो खराब हो चुका हो, डैमेज हो चुका हो, उस जगह को जो है हमको साथ मिलकर उसमें ध्यान देना है और उसकी उस सुंदरता हमको बजाय रखनी है. नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट ऑल्सो कॉमन पब्लिक शुड प्ले देयर वाइटल रोल्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर हेरिटेज. सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, हम सबको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए. हमारे जो साहित्य कला है उसको, जो कला है उसको बचाने के लिए. एज द हेरिटेज कंसिडर्ड आइडिया फॉर द पीपल ऑफ फॉरेन ट्राइब्स इन आवर अनअवेयरनेस. जो हेरिटेज है ये एक आइडियल, इसकी एक पहचान होती है, सब लोगों के लिए बननी चाहिए ऐसा. जो बाहर से विजिटर्स यानी जो फॉरेनर्स आते हैं
हमारे देश की कला साहित्य सब देखने के लिए। बहुत ही अट्रैक्टिव है हमारा देश, सो इट इज द मोरल ड्यूटी द गवर्नमेंट एज वेल एज ऑफ कॉमन पब्लिक टू कंजर्व एंड प्रिजर्व आवर हेरिटेज। गवर्नमेंट का एक मूल दायित्व है, एक मूल ड्यूटी है, जो मोरल ड्यूटी कहते हैं, कि हमारे जो हेरिटेज है उसको सुरक्षा और संरक्षण करे और इसको बचाए रखे। टूरिज्म इंडस्ट्री एंड आवर हेरिटेज, वेरियस साइट्स ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया हैव बीन अकोमोडेटेड इन द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज बाय यूनेस्को। बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जो नेचुरल कल्चरल हेरिटेज में जो माना जाता है, इसमें यूनेस्को है, आप अगर जानते हो तो। माई मैनी पीपल कम टू विजिट, बहुत सारे लोग आते हैं, विजिट करते हैं, टू एक्सप्लोर एंड टू डिस्कस टू आवर हेरिटेज, हमारे देश का नाम आगे बढ़ाने के लिए, बताने के लिए, इसमें रिसर्च करने के लिए। 30 बसेस